वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है अपनी वैम फैमिली यार, काफी लोगों की डिमांड रहती है कि यार आपकी ब्लू वाली जो बाइक आपने कस्टमाइज करा रखी थी वो कहाँ है। तो यार 6 महीने से लॉकडाउन था और मैंने ये बाइक नहीं चलाई, मतलब यार अगर सीरियसली बताऊं तो 1 साल हो गया मेरे को इस बाइक को चलाए हुए। बाइक की कंडीशन बहुत खराब थी, थोड़ा सा कपड़ा मारा, थोड़ा बहुत वॉकिंग में करी, अब ये स्टार्ट हो चुकी है। तो यार मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया कंटेंट लाया जाए, मतलब मैं अपने घर पे अपने आप तो नहीं कर सकता सर्विस, एक क्लिकबेट था थंबनेल, बट यार अपने आप तो नहीं, बट प्रीतपाल भैया ने अपने भाई को भेजा है, वो पूरी सर्विस करेंगे इस बाइक की। तो आप देखो, क्योंकि बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि भाई कस्टमाइज बाइक की सर्विस कैसे होती है, तो यार हम कराएंगे सर्विस। तो आप देखो पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे सर्विस होती है, एक एक चीज, एक एक स्टेप सब आपको बताया जाएगा। बाइक की सर्विस शुरू कराने से पहले यार उस बंदे से बात कर लेते हैं जो इसकी पूरी सर्विसिंग करेगा। सर क्या हाल है? बढ़िया सर। तो कैसी लगी आपको बाइक पहली बार देख के? बढ़िया लगी सर। बढ़िया लगी, एक नंबर, एक नंबर बढ़िया। तो भैया इसकी सर्विस करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? नॉर्मल एक से डेढ़ घंटा बस, ऐसी बाइक खोलने में एकदम, एक से डेढ़ घंटा। तो गाइस बिना किसी देरी के यार सर्विस शुरू कराते हैं और आप देखो पूरा प्रोसेस, क्योंकि काफी लोग ये डिमांड आती है कि भाई कैसे खुलेगी, कैसे बंधेगी। तो आज भाई करने वाला अकेला है। भैया सबसे पहले मतलब आप इंजन खोलोगे? पहले ये सारी टंकी वंकी उतारेंगे सारे। अच्छा टंकी उतारोगे, सीट उतारोगे? सीट उतारेंगे, उसके बाद में इंजन वंजन का वगैरह का सारा काम होगा। इतना जतन करने के बाद मतलब भाई के पसीने छूट गए, हमारे पसीने छूट गए, बाइक पूरी खुल चुकी है एक तरफ से। और यहाँ से इसलिए खुली है क्योंकि ये ऑयल फिल्टर चेंज होना है। तो आप देखो पूरा प्रोसेस ऑयल फिल्टर का, उसके बाद यार इसकी क्लच प्लेट भी डैमेज है, तो क्लच प्लेट भी सही होंगी, मतलब चेंज होंगी। यहाँ पे हमारी धनों में डल रहा है खून, मतलब खून की कमी हो गई थी तो यहाँ पे पूरा लाल खून डल रहा है। तो भैया आप कुछ बता रहे थे कितना डलता है इसमें तेल? 2 लीटर 300 ग्राम। 2 लीटर 300 ग्राम। और आप एक चीज और बोल रहे थे कि इस बाइक में तेल ज्यादा डला हुआ था अभी, क्योंकि गाइस आप यहाँ से देख सकते हो कि तेल यहाँ से निकल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो ये इसका एक्सटीरियर पाइप होता है वो तेल बाहर फेंक रहा था। तो आप ये देख सकते हो ये पूरी ग्रिल पे तेल आ चुका है। तो भैया ने प्रॉपरली नापा है तेल और उसके बाद डाला है। अब हम बाइक का एंगल चेंज करेंगे क्योंकि इसकी क्लच प्लेट चेंज होनी है और क्लच प्लेट इधर से खुलेंगी। यार दूसरी तरफ से भी हमने बाइक खोल दिया, तो एक बार देखो यार कितना नेकेड हो गई है बाइक, इधर से भी पूरी खुली हुई है, उधर से मतलब दोनों डमी इंजन इसके निकल चुके हैं। उधर से जो काम हो रहा है वो हो रहा है क्लच प्लेट का। तो यार देखो एक बार कितना रिफाइंड इसका इंजन लग रहा है। और भैया बता रहे कि यार इंजन की जो अभी लाइफ है ना वो बहुत है, मतलब अभी काफी चल रही है ये। हमारी बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है पूरी, मतलब क्लच प्लेट सब कुछ ए टू जेड सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब जो मेन चीज है इसको था निकालना, और अब वही सेम इंजन डबी इंजन जो है वो लगेगा बाइक में। और फिर बस एक चीज रह जाएगी, वो है पीछे के ब्रेक शू। ब्रेक शू बिल्कुल सही है, बस उसको घिस के अच्छे से उसमें रेखबाल मार के और वापस भैया उसको पैक कर देंगे, एंड देन दिस बीस्ट इज गुड टू गो ऑन रोड। तो आप देखो एक बार की इंजन पैक कैसे होता है। बस लास्ट चीज रह गई है, वो है आपके पीछे के ब्रेक शू। Sun is star.
बाइक की सर्विस पूरी हो चुकी है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद हमने सर्विस करवा ली है अपनी बाइक की। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ यार, मैंने जो ऑयल डलवाया है इसमें, मैंने ये डलवाया है मॉड्यूल का 4T, मतलब यार ये वाला जो ऑयल है ना ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये फुल सिंथेटिक ऑयल है। जब आप अपनी रॉयल एनफील्ड को बाहर से सर्विस कराते हैं तो उसमें 850-900 रुपए का ऑयल आता है 2.5 लीटर, ये 2100 रुपीज का 2.5 लीटर है, मतलब आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यार ये इंजन को नॉकिंग नहीं करता, इंजन बहुत स्मूथ चलता है आपका, इंजन में से आवाज नहीं आती, मतलब रिफाइन इंजन हो जाता है आपका बिल्कुल। तो यार अगर आपको अपनी बुलेट से प्यार है या अपनी कोई भी सुपर बाइक से प्यार है तो आप इस ऑयल को ही डलवाओ, ये प्रीतपाल भैया ने रिकमेंड किया था। और दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लिया है मैंने, जो डलवाया है वो आपके सामने था। और बाकी यार एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर 150 रुपए के आते हैं, बाकी जो मेरी क्लच प्लेट थी वो 1200 रुपए करीब की है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है, ओल्ड मॉडल नहीं है 2012 मॉडल है, तो थोड़ा सा देखने के बाद मिली और ये स्टैंडर्ड है। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार सर्विस कैसे होती है, कितनी मेहनत लगती है। और सर्विस की अगर मैं कॉस्ट बताऊं तो नॉर्मल सर्विस अगर आप कराते हो प्रिंसिपल भैया से तो उसके 500 रुपीज चार्ज है, और अगर आप ऐसी बाइक खुलवाते हो तो यार 1000 से ज्यादा वैरी कर जाता है कि यार आपकी बाइक कैसी है। तो यार आप लोग भी उनको विजिट कर सकते हैं, मतलब ट्रस्ट मैं करता हूं तो यार आप लोगों को भी करना पड़ेगा मेरे बड़े भाई पे। तो यार अगर किसी को ऐसी क्वेरीज हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूं, उनका एड्रेस दे रहा हूं, बात करो फोन पे और यार अपॉइंटमेंट बुक करके आओ और अपनी बाइक की सर्विस कराओ। बाकी यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।